आगे संदीप गुरुग्रंथ पूज्य गुरुग्रंथ साहब में मैं शुक्रिया करूंगा गुरु अर्जुन देव का कि गुरु महाराज की वाणी वहां है। सारे संसार में आज जो गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकता है सतगुरु रविदास को भी मत्था टेकता है। लेकिन ये भी मेरे लिए दुख की बात है, मैं बार बार कहता हूं कि सतगुरु महाराज के नाम से कोई विश्वविद्यालय नहीं है। मंदिर तो बहुत है, हम भी बनवा लिया गांव में और भी बनवा लेंगे, लेकिन जब विश्वविद्यालय बन जाएगा तो वो लाखों लाखों लोगों का बच्चों का भविष्य सुधरेगा निखरेगा और संसार में वो भी कीर्तिमान बनाएंगे। तो एक विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, मेरी बात अन्यथा नहीं लेंगे। और उसमें जो मैं कर पाऊंगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से मैं बिल्कुल भागीदारी दूंगा, बिल्कुल जो ड्राफ्ट बनाना है, जो कायदे बनाने हैं, जो मर्यादा बनाना है, जो एक्ट बनाना है, हम सब कुछ करेंगे। अदरवाइज तो ये ऐसी बातें तो फिर हम सुनते ही रहेंगे और सुन के चले जाएंगे, इनसे कोई फायदा नहीं है। एक विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, वो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाए, तो उसका कोई जवाब नहीं। बाकी मैं और कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें महापुरुष बैठे हैं, हमारे आदरणीय माननीय सांसद साहब बैठे हैं और दूसरे भी गणमान्य लोग बैठे हैं जो इस बात को समझेंगे, इस पे जोर देंगे। और जब तक नहीं होगा ये काम मैं चलाता ही रहूंगा, चाहे मेरी जान नहीं चली जाएगी जब भी चलाता रहूंगा। और जो इस काम को करेगा उनके डमरू भी बजाऊंगा रात दिन, परिवार वालों से भी बजवाऊंगा, गांव वालों से भी, मोहल्ले वालों से भी, देशवासियों से भी, क्योंकि जब विश्वविद्यालय बनेगा तो आप जानिए कितना लाभ होगा। कितने एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान और खासकर डॉक्टर राजेश कुमार पासवान जी जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं और मुकेश रक्षक प्रोफेसर शांति श्री धूरी मुकुली पंडित जी संरक्षक प्रोफेसर सुदेव प्रताप सिंह जी, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे मध्य में अनेकों विभूतियाँ हैं, श्री सुरेश राठौर जी हैं, श्री चौहान जी, चांदराम जी, सुरजीत कुमार जी, मनोज आजाद जी, राजेश पासवान जी का मैंने नाम लिया है, सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और पूरे नमन करता हूँ। नमन करने का मकसद एक ही है कि इस युग के अंदर जो काल चल रहा है उसमें आपने संत गुरु रविदास जी की वाणी, उनके विचारों को, उनकी सोच को पुनः जागृत करने का काम किया है। अनुकूल परिस्थिति में सभी कर लेते हैं, लेकिन जो विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों में इस झंडे को उठाकर चल रहे हैं, मेरे ख्याल वो स्वागत योग्य है, नमन योग्य भी है। और उसका कारण सबसे बड़ा है कि एक काल वो रहा संत रविदास जी का, जिस समय मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि राजा रानियां उनकी शिष्य रहा करती थी, ऐसा काल था, चुनौतियों को स्वीकार करने वाला काल, और बड़ी बड़ी चुनौतियां स्वीकार की उन्होंने। मन चंगा तो कटौती में गंदा का सारा अगर बताने का मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं, बहुत बड़ी चुनौती थी जिस समय काल के अंदर उन्होंने ये वक्तव्य भी दिया और उसको परिणाम भी प्रमाणित भी किया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। और उसके साथ साथ जो वाणी उस समय उन्होंने दी थी, ऐसा चाहू राज में मिले सभी को अन छोट बड़े संग बसे रविदास रहे प्रसन्न, उस समय काल के अंदर जो वाणी उन्होंने दी, मैं क्या राजा महाराजों के लिए और आज के काल में शासन करने वालों के लिए भी, उस वाणी में मूल रूप से जो लिखा है कि शासन किस प्रकार का होना चाहिए, छोटा बढ़ाओ सब साथ बैठना चाहिए, सामाजिक समरसता रहनी चाहिए, प्यार से रहना चाहिए और गरीब को अन्न मिलना चाहिए, छुआछूत और जात पात नहीं होनी चाहिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मालूम भी होगा कि मानव अधिकार का जो पुस्तक है उसके पहले पेज पर ही ये लिखा है, ये दोहा, पूरा पूरा मानव अधिकारों को कैसे बचाया जा सकता है उसका मूल मंत्र पढ़ा है,
तो संत रविदास जी की इस वाणी में इस दोहे के अंदर, लेकिन लगातार उस समय की अगर हम बात करें, एक मध्यकाल बीच में गया है, ये काल मैं समझता हूं बड़ा सुधर भी रहा है, समझ भी रहा है कि जाति कोई भी छोटी नहीं होती है, कर्म छोटे होते हैं। इसलिए संत रविदास जी ने अपनी वाणी में अनेकों बार कहा है, कहत रविदास चमारा, चमार संत को छोटा नहीं किया उन्होंने, चमार संत को छोटा किया है तो 16वीं 15वीं 17वीं ये शताब्दी में छोटा किया है। अभी मैं आते आते पढ़ रहा था कि जो रशिया के जो बाटा कंपनी है उसके जो बनाने वाले जो मालिक थे थॉमस बाटा, वो चमार ही थे, वो जाति से चमार थे और उन्होंने ऐसा अच्छा काम किया तो कामों की चर्चा होती थी और जाति का उल्लेख होता था, उसमें हीन भावना नहीं होती थी। बल्कि मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा है चमार शब्द का उल्लेख किया है, जैसे चमड़ी, मां से मांस, आ से अस्थि और रा से रक्त, मानव बना हुआ है चमार शब्द से, उसमें ना जाति है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना गोरा है, ना काला है, मानव जाति जो है पूरी की पूरी चमार शब्द से उन्होंने। बल्कि एक वर्णन मैंने जैसे महाराज जी बैठे हुए इनके मुंह से सुना था, एक बार संत गुरु रविदास जी को राजा के दरबार में पकड़कर ले जाया गया और राजा ने पूछा, भाई इस बालक का दोष क्या है, उसमें बालपन रहा होगा उनका, क्या इस बालक का दोष क्या है? तो उन्होंने कहा, साहब ये टीका लगाता है और जनेऊ डालता है। तो राजा ने पूछा, भाई टीका डालना लगाना और जनेऊ डालना कहाँ पे पाप है, कहाँ पे गलती है, कौन से कानून का उल्लंघन किया है? तो दूसरी पार्टी ने कहा, साहब नीच जाति का है, इसलिए नीच जाति का टीका नहीं लगा सकते, जनेऊ नहीं डाल सकते। तो संत रविदास जी ने कहा, उन्होंने कहा, प्रभु मुझे इस दोष में यहाँ लाया गया है, लोहे का काम करता है वो लुहार करता है बना कहलाता है, जो सोने का करता है वो सुनार कहलाता है, और चमड़े का सामान तो भगवान भी बना रहा है, चमड़े के इंसान बना रहा है, अगर मैं चमड़े का काम करता हूँ और मैं नीच कहलाता हूँ तो भगवान की जाति का मैं कहलाता हूँ, तो मुझे कोई परहेज नहीं है। उस समय उन्होंने अपने वक्तव्यों को जिस प्रकार से आगे बढ़ाकर, किस प्रकार के एक दिशा के अंदर एक सोच के साथ एक विचार के साथ में हम संत गुरु रविदास जी की वाणी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उन्हें मुझे लगता है समय हो गया, भाई साहब खड़े हो गए हैं कि उसकी भाषा जन भाषा थी, भावना जन थी। पहली बार जन की बात को जन की भाषा में कहा गया, इसलिए उसकी संवेदनाएं दूर तक विस्तृत हुई। अब ये जो जन था उसमें दूसरी बात जो जोड़ना चाहूंगा कि ये जो जन था, सामान्य तौर पे यह सत्य है कि संत कवि जितने हैं अधिकांशतः, अगर उसी काल की शब्दावली में हो तो शूद्र थे। तो यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिसको अछूत शूद्र कहा जा रहा था वो सब संत थे, यह बड़ी बात थी। और वो जो बात कह रहे थे वो उस ईश्वर की बात कह रहे थे जिनसे उनका तादात्म्य स्थापित करना, मुक्ति का राह केवल इस आत्मा से परमात्मा के मिलन का ना था, केवल वो भारतीय समाज में व्याप्त उन तमाम रूढ़ियों को तोड़ते हुए उन बंधनों को जो तत्कालिक समय में उन जातियों को, उन वर्गों को, उस तरह की सोच को विकसित करने में, उसको समृद्ध करने में अपनी भूमिका निभा रहे थे, उससे मुक्ति की बात थी। आलम्बन ईश्वर थे। इसलिए कई बार हम लोग को कबीर के दौरान पढ़ते हुए तुलसी के राम और कबीर के राम में अंतर देखने के पढ़ने की बातचीत की गई है, या कोई भी ईश्वर के नाम, रविदास के भी अगर राम के, रविदास के ब्रह्म की बातचीत की जाए तो जो आप जैसे ब्राह्मण कुल के उत्पन्न होने की बात जहाँ रविदास जी कहते हैं तो बोलते हैं कि ब्राह्मण कौन है, वहाँ बोलते हैं जिसकी आत्मा ब्रह्म हो। तो ब्रह्म आत्मा के बारे में PhD भी किया और गुरु महाराज का ऐसा प्रकाश हुआ, इनका जॉब भी लग गया परमानेंट हरियाणा सरकार में, असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो मैं विनती करना चाहूँगा पासवान जी भी आ जाएंगे, और इसका भी मौसम माननीय सांसद जी का है। आगे आगे
धन्यवाद बेटा। आगे हमारे